नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक बहुत बहुत स्वागत ओडिया लॉ फर्म रो चैनल को। फ्रेंड्स, आज स्पेशल वीडियो टी डेडिकेट टू आवर नेशनल फ्लैग द प्राइड ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे कथा हवा आम जातीय पताका त्रिरंगा उपरे। अल्प किसी विषय को छाड़देले बहुत किसी जिनस अच्छी आम जातीय पताका उपरे जहाँ कि आम भारतीय भाव जानवा दरकार। आउ मे बी बहुत लोक आम मान भितर थे जो मैंने कि त्रिरंगार बहुत किसी फैक्ट उपरे अवगत नथिबे। जदि आपण जने भारतीय भाव गर्व अनुभव करथांती ताले निश्चिंत भाव आज वीडियो को बिना स्किप करी एंड पर्यंत देखंतु। एवं वीडियो रे जदि किछि भी पॉइंट आपण पई नुआ थिबो आउ वीडियो आपनको पसंद आसे ताहले कमेंट रे बंदे मातरम लिखी आमको सपोर्ट करंतु। निजरो फ्रेंड्स सानो बड़ भाई भोनी मानंको आम त्रिरंगा सहित जड़ित थिबा तथ्य उपरे मध्य निश्चय जणांतु। ताहले चालंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिरो वीडियो को। फ्रेंड्स, कुहाजाए अगस्ट 7, 1906 प्रथम थर भारतीय पताका स्वाधीनता संग्राम आंदोलन बेले व्यवहार करा जायतला। तापरे बहुत थर आम पताकार डिजाइन चेंज करा जायतला। शेषरे ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 आमर पताका को रीडिजाइन करा जाय एबेकार स्वरूप त्रिरंगार रूप दिया गला। सेथिपाई 22 जुलाई को फ्लैग अडॉप्शन डे भावे मध्य पालन करा जाय। आमर ए त्रिरंगार डिजाइन पिंगली वेंकैया नामक जने साधारण कृषि एवं स्वाधीनता संग्रामी द्वारा प्रथम थर पई तयारी करा जायतला। परे सेथिरे किछि परिवर्तन करा जाय ए ट्राई कलर रा आकार दिया गला। एबे आसंत जानिबा त्रिरंगार स्ट्रक्चर उपरे। आम त्रिरंगारे रहिछि 4टा कलर। प्रथमटी बहुत लोक कहंती ऑरेंज बोली, बट एटा भूल। त्रिरंगार प्रथम रंग होछि केसरी रंग बा सैफ्रन कलर, जहाँकि शक्ति और साहस प्रतीक अटे। मझे रही व्हाइट कलर धला रंग, जहाँकि शांति एवं सत्यर प्रतीक अटे। शेष रही ग्रीन कलर बा सबुज रंग, जहाँकि समृद्धि को रिप्रेजेंट करे। मझे चक्रटी नाभी ब्लू कलर रही थाए। ए 24 स्पोक्स रही, जहाँ दिन 24 घंटा को दर्शाई थाए। ए चक्र को अशोक चक्र बोली कह जाए, जेहेतु यह समय को दर्शाई थाए या समय चक्र बोली कह जाए। ये फ्रेंड्स आपन को आउ गोटे फैक्ट उपर जनवाक चाहिए, जितेबाला आम इंग्रेज अधीन से आम देश में धार्मिक भेदभावना बढ़ाई पूरा चेष्टा करते, तो कोठी ना कोठी आमर त्रिरंगार तीन रंगर सैफ्रन कलर हिंदू धर्म को, ग्रीन कलर मुस्लिम संप्रदाय को, एवं व्हाइट कलर अन्य धार्मिक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। सेथिपाई तो कुहा जाए भारत एक सार्वधार्मिक राष्ट्र बोली। ताले चालन तो देखिबा आउ किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट को। फ्रेंड्स आपण जानले आश्चर्य हेबे कि आमर ए जातीय पताका को आगुरु समस्त तयारी करि परनथिले। खदी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन नामक गोटे संस्था पाखरे ही केवल लाइसेंस थिला जातीय पताका को तयारी करिबा पई। एबे एही संस्था 3-4 अन्य संस्था को जातीय पताका बनेया लाइसेंस प्रदान करिछि। जातीय पताकार कलर, तार कपड़ा, तार साइज, तार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड थिंग्स उपरे नजर रखी थाए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स आम जातीय पताका को एबे प्लास्टिक जरी मटेरियल अनऑफिशियली तैयारी करा जाउछि, बट ऑफिशियली गोटे स्पेशल हैंड स्पून कॉटन सिल्क फैब्रिक बा खदी कपड़ा रे तैयारी करा जाए। आम त्रिरंगार सेप सबुबले रेक्टांगुलर आकार रे ही होई थाए। पताकार साइज 3:2 रेशियो रे तैयारी करा जाए थाए। मेनली फ्लैग होस्टिंग प्रत्येक वर्ष 2 ऑफिशियली सारा देश में करा जाए थाए। गोटे हूँ 26 जनवरी भारत राष्ट्रपति द्वारा राजपथ रे पताका उत्तोलन करा जाए, एवं 15 अगस्त रे भारत प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला ठारे पताका उत्तोलन करा जाए। 2001 पूर्व भारत रे 15 अगस्त आउ 26 जनवरी को छाड़ी देले देशर कोनोसी साधारण लोक पताका उत्तोलन करि परुनथिले। बट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 रो अमेंडमेंट परे जातीय पताकार सम्मान आदर ओ गौरव को आखि आगे रखी साधारण लोक माने भी वर्षर को भी दिन फ्लैग होस्टिंग करि परिबे। फ्रेंड्स 29 मे 1953 रे प्रथम थर पई माउंट एवरेस्ट रे आम भारतीय पताका को लगा जायतिला। विदेश माटी जर्मन रे प्रथम थर पई मैडम बिकाजी रुस्तम कामंक द्वारा 22 अगस्त 1907 रे जातीय पताका को विदेश माटी रे उड़ा जायतिला। सेपरि विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा 1984 प्रथम थर पई महाकाश रे आम जातीय पताका उड़ीबार सम्मान और गौरव लाभ करथिला। December 2014 रे चेन्नई रे वर्ल्ड रो लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग 50,000 वॉलंटियर को नेकि इंडियन फ्लैग बना जायतिला, जहाँ कि गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड थिला। न्यू दिल्ली रो सेंट्रल पार्क रे इंडिया रो सबुठु लार्जेस्ट फ्लैग होस्ट करा जायछि। एबे आसंतु जानिबा किछि रूल्स और रेगुलेशन रिलेटेड टू इंडियन फ्लैग। आउ इंडियन फ्लैग बा जातीय पताका कर
ଟେରରିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟରେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ବି ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କେବେ ହେଲେ ଭୂମିକୁ ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ, ସବୁବେଳେ ଏହାର ପୋଜିସନ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆପଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଲାମି ଦେବା ପାଇଁ ବା ବସ୍ତୁକୁ ସଲାମି ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ତଳକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆଉ ସେଦିନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶୋକ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘସାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଶେଷ ଦିନକୁ ଶୋକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନରରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ଜାଳିବା, ଗାଳି ଦେବା, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ କିଛି ବି ଲେଖିବା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କଲେ 3 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫାଇନ୍, ନଚେତ୍ ବୋଥ୍, କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଫାଇନ୍ର ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର କପଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସେଠି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି କି ତାର ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଜାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅନର, ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଉ ଡିଗ୍ନିଟି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉପରେ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମତୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କର ଏ ମେରେ ବତନ କି ଲୋଗୋ ଏବଂ ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହି ହମାରା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏବେଠୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ପତାକାକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ପତାକାର, ନିଜ ଦେଶର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଦେଶର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆମ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଥରଟେ ମନେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲେଖି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।